एक दो तीन चार और पांच। बुलंदशहर स्वाट टीम के शिकंजे में फंसे पांचों शातिर लुटेरे हैं, जिन्होंने 14 फरवरी को 1,75,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया था। तारीख 14 फरवरी 2022, जगह शिकारपुर बुलंदशहर। यही वो तारीख थी जब इन पांचों ने बुलंदशहर में लूट की वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैला दी थी। देखिए 14/2/22 को शिकारपुर थाना क्षेत्र में एक कलेक्शन एजेंट जितेंद्र शर्मा, जो गाजियाबाद के एक व्यापारी के कलेक्शन एजेंट हैं, इनके द्वारा कैश की वसूली करने के बाद ई रिक्शा पे बैठ के जा रहे थे। एक व्यक्ति ने जो है ई रिक्शा रुकवा करके बगल में बैठ गया। रास्ते में उनका थैला लूट कर मोटरसाइकिल से उसके जहां साथी इंतजार कर रहे थे उनके साथ भागने में सफल हो गया। तब से लगातार शिकारपुर की पुलिस और हमारी स्वाट टीम लगातार प्रयास कर रही थी। तमाम तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर स्वाट टीम के द्वारा इस अभियोग का अनावरण करके अपराधियों को चिन्हित किया गया और उन अपराधियों को बीती रात गिरफ्तार किया गया है। पांचों ने पूरी प्लानिंग कर व्यापारियों से 1,75,000 रुपए लूटे थे, तभी से पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद इन सभी लुटेरों को धर दबोचा गया। उल्लेखनीय यह है कि इसका जो सूत्रधार है वो बगल की दुकान पे काम करने वाला नौकर है, जिसके द्वारा सुरागिरी की गई। दो अन्य भी इस प्रकरण में लगे हुए थे, जो सूचनाएं दे रहे थे कि कहाँ से निकल रहा है। दो लोग लूट के इरादे से अलग लगे हुए थे। तो इस तरह इनके कब्जे से कुल 1,75,000 रुपए की लूट हुई थी और इनके कब्जे से दोनों मोटरसाइकिलें जो घटना में प्रयुक्त हैं वो बरामद की गई हैं और साथ ही नाजायज असलहे कारतूस आदि बरामद किया गया है। 11,500 रुपए मूल्य का इनके द्वारा मोबाइल फोन खरीदा गया था, वो बरामद किया गया है और लगभग 34,500 रुपए की धनराशि जो लूट की थी वो इनके कब्जे से बरामद हुई है। शेष धन इनके द्वारा खर्च कर लिया गया है। पुलिस को इनके पास से दो मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और 34,500 रुपए बरामद हुए हैं। इस लूट का खुलासा होने के बाद स्वाट और थाने की पुलिस को सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।